नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की इस कहानी में, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अच्छी पत्नी में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे पत्नियों के ऐसे 19 गुण। ये 19 गुण वाली महिलाएं घर को स्वर्ग बना देती हैं। यदि ऐसी महिलाएं किसी नरक जैसे घर में भी चली जाती हैं तो उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। प्रिय दर्शकों, आज की स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, ऐसे 19 गुण वाली महिला किसी भाग्यशाली पुरुष को मिलती है। जिस पुरुष का भाग्य साथ देता है, जिस पुरुष का नसीब साथ देता है और वो बड़ा भाग्यशाली होता है, जिस पुरुष को ऐसे 19 गुण वाली महिलाएं मिल जाती हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी स्टोरी, ये प्यारी सी वीडियो। और अब बताते हैं आपको कि ऐसे कौन से 19 गुण हैं। जिन महिलाओं में ये 19 गुण होते हैं वो महिलाएं नरक को भी स्वर्ग बना देती हैं। सबसे पहला, एक आदर्श पत्नी की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति के प्रति ईमानदार बनी रहती है। किसी भी परिस्थिति में अपने पति से छल कपट नहीं करती, धोखा नहीं करती और जीवन में कभी भी बेवफाई नहीं करती। प्रिय दर्शकों, एक पति के लिए वफा से बड़ा और कोई कीमती तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, प्रिय दर्शकों, सम्मान पाना हर व्यक्ति का अधिकार होता है। यदि आप चाहती हैं कि आपका पति आपका सम्मान करे तो इसके लिए आपको भी उनका सम्मान करना होगा। प्यार और आदर से हर किसी का दिल जीता जा सकता है। तीसरा, पति के दिल के रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। चूंकि पति के खान पान की पूरी जिम्मेदारी एक पत्नी की होती है तो उस पत्नी को चाहिए कि वे उनके शरीर का पूरा ख्याल रखें और अपने पति को अच्छे और हेल्दी भोजन परोसें। चौथा, कई पति पत्नी यूं तो बड़े प्यार में होते हैं लेकिन अक्सर तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों और भागदौड़ के बीच वे लोग उस प्यार को भूल जाते हैं और उसे जाहिर भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रही हैं तो जरा रुकिए, समय निकाल लें और रोजाना अपने पति को अपने दिल में छुपे हुए प्यार का एहसास दिलाएं। पांचवा, तारीफ हर इंसान को पसंद होती है, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए समय समय पर अपने पति के कार्यों, उनके लुक्स, उनकी पसंद की तारीफ करें और उन्हें स्पेशल फील करवाएं। छठा, काम से थक हार कर जब आपका पति घर को आए तो अपनी दिन भर की कहानी उसके सामने कभी भी शुरू ना करें। कई महिलाएं, कई पत्नियां ऐसा करती हैं जबकि आपको अपने पति की सुननी चाहिए। उन्होंने दिन भर क्या किया, किससे मिले, कौन कौन उससे मिले हैं, उनका पूरा दिन कैसा रहा, इससे उन्हें लगेगा कि आपको उनके जीवन में दिलचस्पी है और यकीनन उन्हें अच्छा लगेगा। सातवां, झगड़े नोक जोक के बिना कोई रिश्ता पूरा नहीं होता है। लेकिन याद रखे, झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अनबन होने पर शांति से बैठकर बात करें और चीजें सुलझाने की कोशिश करें। बातचीत बंद कर विवाद को बढ़ावा ना दें। छोटे छोटे विवाद कई बार रिश्तों में बड़ी कड़वाहट को छोड़ जाते हैं। इसलिए जो भी मसला हो, जो भी बात हो, पति पत्नी बैठकर उनका समाधान करें। आठवां, शादी के बाद हर लड़की का जीवन
पूरी तरह से बदल जाता है। ससुराल में उनसे कई अनजान रिश्ते जुड़ जाते हैं जिसे उसे ताउम्र भर निभाना पड़ता है। एक अच्छी वाइफ अपने पति से जुड़े हर रिश्ते का बखूबी सम्मान करती है और आदर करती है। ऐसा करने से पति बहुत खुश होता है, इंप्रेस होता है। नौवा, पति पत्नी जीवन भर के साथी होते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहती हैं कि आपका ये रिश्ता खुशी खुशी चलता रहे तो हमेशा अपने पति से सच बोलो, पति से कुछ ना छिपाए। हो सकता है कोई ऐसी बात जिसे सच सुनकर आपके पति को बुरा लग जाए, लेकिन वक्त के साथ आपके पति को ये एहसास जरूर होगा कि कम से कम आपने उन्हें धोखे में नहीं रखा है। दसवां, परफेक्ट वाइफ बनने के लिए आपको किसी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पर जो हैं वैसी ही बनी रहें, बस परिस्थिति और अपने आसपास के लोगों के हिसाब से खुद को थोड़ा ढाल लीजिए, जीवन आसान हो जाएगा। ग्यारहवां, पति भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में उनसे खुलकर बात करें। यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है या आपके मन में कुछ बात चल रही है तो इस बारे में अपने पति से बात कीजिए। आपकी ये पारदर्शिता आपके पति को जरूर पसंद आएगी। बारवा, सुखी जीवन के लिए हर पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ एंजॉय करना सीखें। अच्छी वाइफ बनने के लिए कभी उन कार्यों को भी करें जिनसे आपके पति को खुशी मिले, जैसे अपने पति के साथ वीडियो गेम खेलना या एंजॉय करना आदि। ऐसे कार्य होते हैं जो महिला को अपने पति के साथ करना चाहिए जिनसे उनके पति को खुशी मिले। तेरा, शादी के बाद पति से ही एक स्त्री का हर रिश्ता जुड़ जाता है। जीवन भर के लिए उसकी पहचान बदल जाती है। अच्छी पत्नी हमेशा अपनी शादी को महत्व देती है और प्राथमिकता मानते हुए उसे निभाती है। 14, एक अच्छी वाइफ की ये खासियत होती है कि वे हर समय झगड़े के बाद अपने पति से सॉरी बोलें, कि वो अपने पति के सॉरी बोलने का इंतजार करती है। यदि आपको लगता है कि गलती आपकी है तो बिना देर किए माफी मांग लीजिए, आप दोनों का साथ बना रहेगा। लेकिन कई महिलाएं ऐसी नहीं करती हैं, वो चाहती हैं कि उनका पति उनसे सॉरी बोले। ऐसा करने से उनके घर में वाद विवाद और बढ़ जाते हैं। 15, एक आदर्श पत्नी बुरे वक्त में अपने पति का सहारा बनती है, और जब सुख में आप दोनों साथ हंसते थे तो पति पर दुख या विपदा आने पर उनकी ढाल बनिए और उनके साथ खड़े रहिए, इससे उन्हें हिम्मत मिलेगी। 16, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। एक अच्छी पत्नी हमेशा इस कोशिश में रहती है कि वे अपने पति के हर सपने को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करें। 17, एक आदर्श पत्नी कभी भी अपने दाम्पत्य जीवन की जरूरी बातें अपने दोस्तों या घर वालों को नहीं बताती है। पत्नी के साथ आपकी क्या बात हुई, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसकी चर्चा इधर उधर कभी भी ना करें, ये लड़ाई और दूरी का कारण बन सकता है। 18, पति के लिए पत्नी सबसे अधिक भरोसे की पात्र होती है। वे हर बात आपसे शेयर करते हैं, इसीलिए कभी इस भरोसे को टूटने ना दें। हर परिस्थिति में पति की विश्वासी बने रहना एक आदर्श पत्नी का फर्ज होता है। 19, आलोचना करने से बचे। पति पत्नी को एक दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए। यदि आपको आपके पति की कोई भी आदत बुरी लगती है तो सबके सामने उनकी आलोचना ना करें, अकेले में उन्हें उनकी गलती बताएं।
यदि आप सब लोगों के सामने अपने पति को बेइज्जत करेगी तो ऐसा अच्छा नहीं होता है, इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर पत्नी को चाहिए कि यदि आपके पति कोई ऐसी गलती करते हैं या फिर कोई ऐसा शौक पाल रखा है तो आप अपने पति को अकेले में बिठाकर समझा सकती हैं। प्रिय दर्शकों, ये थे आदर्श पत्नी के 19 लक्षण। ये 19 लक्षण जिन महिलाओं में होते हैं वो महिलाएं उस घर को स्वर्ग बना देती हैं, और बड़े नसीब वाले को ऐसी पत्नियां मिलती हैं जिनके अंदर ये 19 गुण होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।